हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार वॉइस चेक करिए, वॉइस क्लियर है आपको? वेरी वेरी गुड इवनिंग, वॉइस चेक कर लीजिए, चेक वॉइस। यस सर, क्लियर। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था सर? चैप्टर का नाम था बजटरी कंट्रोल, और इस चैप्टर में हम जो कर रहे हैं वो है फ्लेक्सिबल बजट के बारे में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इतने सारे बजट में अभी फ्लेक्सिबल ही चल रहा है, जो सबसे बड़ा भी है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा चलता जाएगा। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलिए ये क्वेश्चन एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ। आप सभी का आंसर आ गया था इस क्वेश्चन का, हाँ या ना में कमेंट में जवाब दीजिए। 2.3 कितने लेवल पे निकालना है इसको? 8, 6, दो ही लेवल है। वन टू, चलिए कमेंट देख लेते हैं। बताइए आपका आंसर आ गया था, और जो नए बच्चे हैं उनको पहली क्लास ये वाली देखनी पड़ेगी तभी समझ में आएगी। फैन ऑफ कर देना पीछे से। आइए, कहता है एक्सपेंस बजट फॉर प्रोडक्शन 10,000 यूनिट फैक्ट्री आर फर्निश्ड एज बिलो। मटेरियल की कीमत, लेबर का कीमत, ओवरहेड का फिक्स, और यहां पे फिक्स ओवरहेड बता भी दिया, वेरिएबल डायरेक्ट, सेलिंग एक्सपेंस, इसमें 10% फिक्स है, ये हो गया सेमी, यानी 1.3 फिक्स और बाकी वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स, यानी 1.4 फिक्स बाकी वेरिएबल। एडमिन में आपको ये जो ब्रैकेट में दे रहा है ये फिक्स है, ब्रैकेट में जो दे दिया इसने 5,000 फिक्स है। प्रिपेयर बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट पे और 6,000 यूनिट पे। अज्यूम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर रिजिड ऑल लेवल, यानी जो ये है ये पूरा फिक्स है। तो हम यहां स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, इसके बाद लिख लेते हैं सेमी वेरिएबल, इसके बाद नीचे लिख लेते हैं फिक्स। और मजे की बात देखिए, यूनिट यहां निकाल के दे रखा है, तो 8,000 और 6,000। तो सबसे पहले अगर मैं मटेरियल निकालूं तो 6,000 और मटेरियल की कीमत है 70, तो 6,000 × 70 = 420। और मैंने 6,000 × 70 कर दिया, इधर लिख देते हैं इसको, ये 420 हो गया। ऐसे दूसरे का क्या होगा हमारा? 8,000 × 70, इसका 8,000 × 70 560। लेबर, लेबर 25 रुपए है, तो 6,000 × 25 1.5 लाख। और सामने सामने ही लिख लेता हूं, अब 8,000 × 25, आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे निकल रहा है, 2 लाख। लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल 20 रुपए है, तो 6,000 × 20 1,20 और ये 1,60। बस यहां पे ये वाला हिस्सा तो बन जाएगा टोटल। सेमी वेरिएबल में देखा जाए, फिक्स एक्सपेंस में फिक्स ओवरहेड है, तो कलर चेंज कर लेते हैं, फिक्स ओवरहेड।
फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड आपको दो दे रखा है, एक तो ये है और एक एडमिन, 1 लाख। तो यहां भी 1 लाख और यहां भी 1 लाख एडमिन, ये दे रखा है आपको 50,000 यहां भी, 50,000 यहां पे। अब सेमी वेरिएबल में आ जाते हैं, कहते हैं भैया हमारा सेमी वेरिएबल 10% फिक्स है, तो सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस क्या होगा बताओ? अगर हम बोले फिक्स की बात, तो 1.3 × में जो यूनिट फिक्स होगा वो 10,000 रुपये ही होगा, यानी 13,000 फिक्स है। तो फिक्स और बीसी, मैं दोबारा बताऊंगा, ये जैसे हमारा ये 1.3 था, तो ये सर क्या इसको भी हर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? तो अगर हर यूनिट से मल्टीप्लाई आप करोगे तो वो फिक्स नहीं रहा ना, वो तो वेरिएबल हो गया। तो ये हमेशा मैंने बताया फिक्स कॉस्ट 100% कैपेसिटी पे होता है, जो कि किस पे दे रखा है हमें, 10,000। तो इसको एक बार 10,000 से इंटू कर दो और ये फिक्स हो गया, और ये यहां भी फिक्स ही रहेगा। अब अगर 13 में से 1.3 निकाल दिया, 13 का 10% निकाल के माइनस कर दिया, तो 11.7 बच गया, ये वेरिएबल हो गया। तो 11.7 अब इंटू में 8,000 पे 8,000 और 6,000 पे 6,000 इंटू 11.7, 93,600। 6,000 इंटू 7,200। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस क्या, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इसमें भी फिक्स है और इसमें 1.4 है, तो 1.4 इंटू में 10,000 यानी 14,000, 14,000 वेरिएबल। अगर 7 में से आप माइनस कर दोगे, 7 माइनस में 5.6 बजेगा, ये वेरिएबल है, तो 5.6 इंटू में 8,000, 44,800, और 5.6 इंटू में 6,000, 33,600। टोटल एक यहां टोटल, एक नीचे टोटल, फिर आप निकाल लो टोटल कॉस्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का टोटल, बी का टोटल और सी का टोटल। ये आ जाएगा 5,60, 9,20, ये 4,20, 6,90, 130, 13,000, 165,400, 13,000। ये मैंने 31 लिख दिया है गलती से, ये 13,000 है। एक 30,800 और ये 1,50, 1,50। अब टोटल कर दो, 920, ये आ गया 1,23, 690, ये आ गया 97, ये हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गया हमारा फ्लेक्सिबल बजट। सर वेरिएबल एक्सपेंस, सर वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्ट वाला रह गया, कौन सा रह गया डायरेक्ट वाला?
अच्छा ये रह गया। चलो 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 चलो, फिर ये टोटल को काट के एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये भी टोटल गलत हो गया। वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्ट, डायरेक्ट तो 5 रुपए है, 5 तो 8 पंचे 40 हजार और 30 हजार डायरेक्ट कर दिया मैंने। नौ साठ, 4 20, 1 50, 1 20 और 30, 7 20 प्लस में 130, 800 प्लस 1 50, 10, 960, 1 65, 400, 1 50, 12, ये आंसर आ गया। ठीक है अंजलि, अर्नब ने भी बताया, ध्यान नहीं दिया। बताइए कोई डाउट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट। अब वो कई बार ना पर यूनिट भी साइड में लिख के चलते हैं, जरूरत नहीं है, ऐसे कर लीजिए, इनफ है। क्लियर है? बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर है सभी को? सर शेयर में वैल्यू में डाउट है, बताओ क्या डाउट है भाव्या? या तो आप वॉइस रेज कर दीजिए, बताइए क्या डाउट है, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आज जन्माष्टमी है, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ जी भाभी बताइए। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही आ रही, बताइए। सर मुझे बात समझ नहीं आई, जैसे आपने लिखा मतलब 1.3 उत्तरो 13 का 10% है, बट क्या एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे वेरी नहीं करेगा, बिकॉज अगर ये पर यूनिट दिया होगा तो? नहीं, ये पर यूनिट हमें निकालना होता है और ये फिक्स है, क्योंकि यहाँ बोलता है 10% फिक्स है, तो फिक्स वाला हमेशा 100% कैपेसिटी पे आपको निकालोगे और वो हर लेवल पे फिक्स ही रहेगा। तो हमें तो वैसे अलग अलग लेवल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इस पे है, इसलिए हमने एक बार में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हर लेवल पे यूनिट चाहे कितना भी चेंज हो जाए, 13,000 ही रहेगा। हाँ ठीक है सर, यही डाउट था। ओके सर, थैंक ठीक, यू सर। ओके, वेलकम। और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? देखिए जो डाउट बनता है ना आप पूछ लीजिए, क्योंकि अब डाउट रह जाएगा, लाइव क्लास लेने का फायदा ही तो यही है ना कि आपके डाउट हैंड टू हैंड सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस लेके चलूं, करवाता चलूं।